अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है रिटार्डेड पोटेंशियल। पोटेंशियल से रिलेटेड टॉपिक्स हम पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमें पोटेंशियल, स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल की इक्वेशंस ड्राइव की थी। फिर मैक्सवेल इक्वेशंस हमने उन पोटेंशियल्स की फॉर्म में देखी थी। कूलम, फिर गॉज ट्रांसफॉर्मेशन देखी, जिसमें हमने उन पोटेंशियल इक्वेशंस को यूज़ किया था। आज हमने पढ़ना है रिटार्डेड पोटेंशियल। रिटार्डेड इसकी वर्ड से वो वाला पोटेंशियल होगा जो थोड़ा सा लैग कर जाएगा बाकी पोटेंशियल से। नॉर्मली अगर इसको सिंपल फॉर्म में वर्ड देखें, रिटार्डेड भी हम उस ऐसे पर्सन को कहते हैं कि अगर कहा जाए जो थोड़ा स्लो हो, जिसको चीज़ें देर से समझ आए। नॉर्मल लोगों के मुकाबले में उसको चीज़ों का कम स्लो पता चलता है, थोड़ा टाइम बाद पता चलता है। तो रिटार्डेड पोटेंशियल भी ऐसा होगा। रिटार्डेड पोटेंशियल इज दैट पोटेंशियल विच इज जनरेटेड बाई टाइम वेरी करंट इन पास्ट। टाइम वेरी करंट से पास्ट में जनरेट हुआ जो अब आपको सिग्नल मिले उसके साथ मिलना चाहिए था, लेकिन उन सिग्नल्स के कुछ टाइम के बाद मिला, मतलब वो डिले हो गया, तो वो आपका रिटार्डेड पोटेंशियल है। इलेक्ट्रो डायनामिक फील्ड्स प्रोपगेट्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, सो पोटेंशियल विल ऑल्सो ट्रेवल विथ दिस वेलोसिटी। देयरफॉर एट एनी पॉइंट इफेक्ट ऑफ चेंज बिकम्स डिलेड इज नोन एज रिटार्डेड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जो हमारे पास है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है, तो उन फील्ड्स के साथ वो जो पोटेंशियल को भी स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल करना चाहिए, उसी वेलोसिटी से। तो अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल डिले कर जाता है, स्पीड से स्लो हो जाता है, तो उस पोटेंशियल को हम रिटार्डेड पोटेंशियल कहेंगे। तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे शो करेंगे हम, उसके लिए मैक्सवेल इक्वेशंस दोबारा से लिखेंगे हम पोटेंशियल इलेक्ट्रोडायनामिक्स में स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल के फॉर्म में। तो ये हमारे पास इक्वेशन वन आ गई वेक्टर पोटेंशियल की फॉर्म में, और इक्वेशन टू आ गई हमारे पास स्केलर पोटेंशियल की फॉर्म में। अब जो कूलम कंडीशन थी हमारे पास लॉरेंस कंडीशन थी, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे लॉरेंस कंडीशन। जब लॉरेंस कंडीशन अप्लाई करेंगे तो इतना पोर्शन इन दोनों इक्वेशंस का हमारे पास जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये इज इक्वल टू जीरो है। इसलिए ये इक्वेशंस हमारे पास बन जाएंगी डेल स्क्वेयर ए वेक्टर माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ल स्क्वेयर ए वेक्टर ओवर कर्ल टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे वेक्टर, और डेल स्क्वेयर फाई इज माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये वो दोनों इक्वेशंस लॉरेंस कंडीशन अप्लाई करने के बाद ये बन गई। अब इफ पोटेंशियल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम, कि पोटेंशियल टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा कि वो किस टाइम पर डिले किया, तो किसी और चीज पर डिपेंड कर रहा है, तो वो इक्वेशंस में से अगर हम टाइम वाला भी, उसका जो वैल्यू है टाइम वाला वाला पार्ट है वो भी रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास ये स्केलर पोटेंशियल की और ये वेक्टर पोटेंशियल की इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। अब इनको पाइथन इक्वेशन की फॉर्म में, जब ऊपर वाली इन इक्वेशंस को, ये उनकी पॉइजन इक्वेशन वाली फॉर्म है, ये हमने पिछले टॉपिक्स में भी इनको कन्वर्ट किया। यहाँ पर ये डी टॉ है और आर जो हमारे पास ये डिस्टेंस है जो हम सोर्स से लेके ये सोर्स हमारा, ये हमारी फील्ड, तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आर है। वेयर आर इज ऑलवेज द डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स पॉइंट आर टू द फील्ड पॉइंट आर डैश इन फिगर ए, नीचे फिगर है। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक न्यूज ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट इन नॉन स्टैटिक केस, देयरफॉर इट इज नॉट द स्टेटस ऑफ सोर्स राइट now that matters, but rather its condition at some earlier time tr called it retarded time when the message left. अब
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक न्यूज़, या आपके पास जो सिग्नल्स आते हैं कोई भी, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो यहाँ पर न्यूज़ को कंसिडर किया है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक न्यूज़ होंगी वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करके आप तक पहुँचेंगी, नॉन स्टैटिक केस में, जिन पर उनपे कोई उनकी फील्ड पे इफेक्ट ना हो रहा हो। तो इसका मतलब है कि हमने एक्स्ट्रा जो उसमें उस पे इफेक्ट्स थे उनको निगलेक्ट किया है। तो अब उस केस में तो जो सोर्स है उसका स्टेटस, उस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सोर्स तो बिल्कुल ठीक होगा। मसला कहाँ आएगा, वहां उसके ट्रैवल करने से, उसके रास्ते में ट्रैवल स्टार्ट करने से पहले किसी पॉइंट पर उसमें टाइम पर फर्क आएगा। तो अब हम सब और ने उस टाइम को पे जाके देखना है थोड़ा सा और रिवर्स में, कि मसला शायद उसकी बिगिनिंग में हुआ था, तो उस टाइम को हम रिटार्डेड टाइम कहेंगे। कि जिस पॉइंट पे मैसेज ने स्टार्ट किया है ट्रैवल करना, उस टाइम को हम जाके चेक करेंगे कि सोर्स में, मिडिल में, रास्ते में उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि नॉन स्टैटिक केस था। तो मतलब जहाँ से मैसेज मैसेज स्टार्ट हुआ है, जहाँ से मैसेज निकला है, वहाँ कोई मसला हुआ है, इसलिए हम TR रिटार्डेड टाइम उसको जाके चेक करेंगे या उसको सॉल्व करेंगे। सिंस द मैसेज मस्ट ट्रेवल अस डिस्टेंस R, द डिले इज R डिस्टेंस डिवाइडेड बाय C। C हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, तो रिटार्डेड टाइम हमारे पास आ जाएगा T-R/C। द नेचुरल जनरलाइजेशन ऑफ इक्वेशन 3 और 4 फॉर नॉन स्टैटिक सोर्सेज इज देयर फॉर, जो ऊपर जो पॉइसन इक्वेशन वाली जो हमारे पास इक्वेशन थी उनमें हमने क्या किया है, आर के साथ, डिस्टेंस के साथ TR ऐड कर दिया, रिटार्डेड टाइम। कि अब हम सिर्फ डिस्टेंस पे फोकस नहीं कर रहे कि जिस किसने जो ट्रेवल किया वहाँ उस टाइम पे उसके साथ कुछ हुआ, अब हम उसके स्टार्टिंग टाइम वहाँ से रिटार्डेड टाइम लेके उसको भी अंदर, उसके वैल्यू को भी ऐड करें। अब इक्वेशन 6 में भी R डैश के साथ TR ऐड कर दिया, बाकी सेम। बिकॉज द इंटेग्रल्स आर एवेल्युएटेड एट द रिटार्डेड टाइम, दीज आर कॉल्ड रिटार्डेड पोटेंशियल्स। अब जो इंटेग्रल्स को अब हम सॉल्व करेंगे, उसको सिंपल टाइम की बजाय हमने रिटार्डेड टाइम को यूज करते हुए सॉल्व करना है, इसलिए ये पोटेंशियल जो हमारे पास बनेंगे ये रिटार्डेड पोटेंशियल बनेंगे। That all sounds reasonable and simple. So to prove them right, I must show that they satisfy the inhomogeneous wave equation. Notice there's the integral. अब इसको प्रूव करने के लिए, अब जो हमने इक्वेशन तो क्रिएट कर ली है, ये बता दिया है कि हम रिटार्डेड टाइम अगर ऐड कर देंगे पोटेंशियल की इक्वेशन में, तो वो पोटेंशियल हमारा रिटार्डेड पोटेंशियल बन जाएगी। तो अब इसको प्रूव करने के लिए एक इनहोमोजीनियस वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके ऊपर अप्लाई करेंगे इस पोटेंशियल को, तो उससे पता चलेगा कि हम अगर रिटार्डेड टाइम को कंसीडर करें तो हम रिटार्डेड पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये वाली एप्लीकेशन या इसका प्रूफ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह।